पांजे, ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी। क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, दो वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पियेंगे, विस्की, शैंपेन, ठर्रा? नहीं ठर्रा नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पियेंगे भी कैसे, अपनी हार का कड़वा घूंट चुप पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया। क्या? के भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आई गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा, तुमने कहावत तो सुनी होगी। क्या? के कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब, ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट।